ये जो हाईवे आप देख रहे हो ये दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से शिमला। तो अभी इस टाइम मैं यहाँ पे रुका हूँ, बहुत भूख लग रही थी हम लोगों को, तो फिर सोचा कि रास्ते में खाना खा लेते। तब जाके बड़ी मुश्किल से एक ढाबा मिला। इस ढाबे पे हम लोगों ने खाना खाया है, माशाल्लाह पेट भर गया, बहुत अच्छा खाना था। अभी खाना खाने के बाद तो यार, अगर घूमने आए हो आप फ्रेंड लोगों के साथ तो जस्ट चिल तो बनता है ना। चिल करने के लिए हमारे साथ ही हमारी फ्रेंड चिलम भर रही है ना। और अब से पहले भी अपन लोग ने एक चिलम पिया था गाड़ी में बैठ के, तो हुआ क्या कि जो इसका एक कोयला है ये निकल के गाड़ी में गिर गया नीचे, और गाड़ी में जस्ट ऐसे लगा कि भाई आग लगने वाली है। तो फिर बड़ी मुश्किल से इस कोयले को ढूंढा, ढूंढने के बाद गाड़ी से बाहर फेंका, और अभी खाना खाने के बाद दूसरा चिलम भरा है ना। एंड कौन सा वाला फ्लोर भरा है? ये वाला फ्लावर भरा है, और आई थिंक बहुत मजा आने वाला है। हुक्का पीने के बाद हम लोग फिर से चल दिए। आगे चल के हमें अपनी गाड़ी का पेट्रोल का टैंक फुल कराना है। जैसे कि हमारी गाड़ी सीएनजी और पेट्रोल में है, तो हमने सीएनजी का टैंक भी फुल करा लिया है और पेट्रोल का टैंक भी फुल करा लिया है। रास्ते का कुछ भरोसा नहीं है, कब कहाँ पे क्या नहीं मिलेगा, कब कहाँ पे क्या मिलेगा, तो इस वजह से हम लोगों ने सीएनजी और पेट्रोल दोनों को फुल करा लिया है। ये देखिए गाड़ी रात में एक्सीडेंट हो गई थी, फिसल कर एक खाली में चली गई। गाड़ी की लेफ्ट साइड में कंडक्टर साइड की जो खिड़कियाँ थी, अगली और पिछली और लाइट, ये तीनों चीज़ें डैमेज हो गई। बट अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी बंदे को कोई नुकसान नहीं हुआ। इन लोगों ने हमसे हेल्प मांगी, हम भी रुक गए, हमें देख कर और बहुत सारे लोग रुक गए, और सारे लोगों ने इकट्ठा होकर इन लोगों की मदद करने की कोशिश की। सीट बेल्ट की मदद से गाड़ी को आगे पीछे निकालने का प्रयास किया, बट हम सब नाकाम रहे। फिर जब हमसे नहीं निकला तो एक थार वाला बंदा आया, उनसे हमने हेल्प मांगी। उन लोगों ने गाड़ी को रोक के इस गाड़ी में अपने पट्टे से टॉर्च इन करके इस गाड़ी को निकाल दिया। फाइनली हम यहाँ से आ गए क्योंकि गाड़ी जो है निकल गई थी। अब हम चलते हैं कुफरी की ओर। तो देखिए गाइस, कुफरी वाले रोड पे किस तरीके से स्नोफॉल हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइम हो रहा है अभी 5:53, 4 फरवरी फ्राइडे। बहुत तगड़े वाला स्नोफॉल हो रहा है रोड पे। जहाँ तक आप देखोगे ना तो आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगा दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ ना स्नोफॉल होते टाइम 4x4 गाड़ी ही आसानी से चढ़ रही थी, अदरवाइज बाकी तो ना देखिए आप कैसी हालत रहेगी। हमारी गाड़ी इतना स्लिप मार रही थी कि चढ़ ही नहीं रही थी। तो फिर हमने एक बंदे को आगे बॉनेट पे बिठाया सर को, और उसके बाद दो बंदों ने पीछे से धक्का लगाया, तब जाके बड़ी मुश्किल से थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ पाई थी। आगे चल के तो हमने गाड़ी को बंद करके साइड में लगा के छोड़ ही गए थे।